एक्सेलेंसीज नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति रहमान को एससीओ काउंसिल की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई देता हूं। ताजिक प्रेसिडेंसी ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय माहौल में इस संगठन का कुशलता से संचालन किया है। ताजिकिस्तान की आजादी की 30वीं वर्षगांठ के इस वर्ष में मैं पूरे भारत की ओर से सभी ताजिक भाई बहनों को और राष्ट्रपति रहमान को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सलेंसीज, इस साल हम एससीओ की भी 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह खुशी की बात है कि इस शुभ अवसर पर हमारे साथ नए मित्र जुड़ रहे हैं। मैं ईरान का एससीओ के नए सदस्य देश के रूप में स्वागत करता हूं। मैं तीनों नए डायलॉग पार्टनर्स सऊदी अरब, इजिप्त और कतर का भी स्वागत करता हूं। एससीओ का एक्सपेंशन हमारी संस्था का बढ़ता प्रभाव दिखाता है। नए मेंबर और डायलॉग पार्टनर से एससीओ भी और मजबूत और क्रेडिबल बनेगा। एक्सलेंसीज, एससीओ की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर और वैल्यूज का एक प्रकार से गढ़ रहा है, किला रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं एससीओ के रेट्स मैकेनिज्म द्वारा किए जा रहे उपयोगी कार्य की प्रशंसा करता हूं। भारत ने एससीओ रेट्स की अपनी अध्यक्षता के दौरान जो कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज प्रस्तावित की है, उन पर हमें सभी एससीओ पार्टनर्स के सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है। एक्सलेंसी, रेडिकलाइजेशन से लड़ाई, क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी ट्रस्ट के लिए तो आवश्यक है ही, यह हमारी युवा पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरी है। विकसित विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए हमारे क्षेत्र को उभरती टेक्नोलॉजी में स्टेक होल्डर बनना होगा। इसके लिए
हमें अपने प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान और रेशनल थिंकिंग की ओर प्रोत्साहित करना होगा। हम अपने एंटरप्रेनर्स और स्टार्टअप्स को एक दूसरे से जोड़कर इस तरह की सोच, इस तरह की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी सोच से पिछले वर्ष भारत ने पहले एससीओ स्टार्टअप फोरम और युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया। पिछले वर्षों में भारत ने अपनी विकास यात्रा में टेक्नोलॉजी का सफल सहारा लिया है, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए यूपीआई और रुपे कार्ड जैसी टेक्नोलॉजीज हो या कोविड से लड़ाई में हमारे आरोग्य सेतु और कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इन सभी को हमने स्वेच्छा से अन्य देशों के साथ भी साझा किया है। हमें एससीओ पार्टनर्स के साथ भी इन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को शेयर करने में और इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग आयोजित करने में खुशी होगी। एक्सलेंसी, रेडिकलाइजेशन और असुरक्षा के कारण इस क्षेत्र का विशाल आर्थिक पोटेंशियल भी अनटैप रह गया है। खनिज संपदा हो या इंट्रा एससीओ ट्रेड, इनका पूर्ण लाभ उठाने के लिए हमें आपसी कनेक्टिविटी पर जोर देना होगा। इतिहास में सेंट्रल एशिया की भूमिका प्रमुख क्षेत्रीय बाजारों के बीच एक कनेक्टिविटी ब्रिज की रही है। यही इस क्षेत्र की समृद्धि का भी आधार था। भारत सेंट्रल एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि लैंडलॉक सेंट्रल एशियाई देशों को भारत के विशाल बाजार से जुड़कर अपार लाभ हो सकता है। दुर्भाग्यवश आज कनेक्टिविटी के कई विकल्प उनके लिए खुले नहीं हैं। ईरान के चाबाहार पोर्ट में हमारा निवेश और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के प्रति हमारा प्रयास इसी वास्तविकता से प्रेरित है। एक्सलेंसी, कनेक्टिविटी की कोई भी पहल वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती। आपसी ट्रस्ट सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को कंसल्टेटिव, पारदर्शी और पार्टिसिपेटरी होना चाहिए। इनमें सभी देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान निहित होना चाहिए। इन सिद्धांतों के आधार पर एससीओ को क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त नॉर्म्स विकसित करने चाहिए। इसी से हम इस क्षेत्र की पारंपरिक कनेक्टिविटी को पुनर्स्थापित कर पाएंगे और तभी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमें जोड़ने का काम करेगी, न कि हमारे बीच दूरी बढ़ाने का। इस प्रयत्न के लिए भारत अपनी तरफ से हर प्रकार का योगदान देने के लिए तैयार है। एक्सलेंसी, एससीओ की सफलता का एक मुख्य कारण यह है कि इसका मूल फोकस क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर रहा है। रेडिकलाइजेशन, कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल संबंधों पर मेरे सुझाव एससीओ की इसी भूमिका को और सबल बनाएंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं हमारे मेजबान राष्ट्रपति रहमान का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस हाइब्रिड फॉर्मेट की चुनौती के बावजूद इस सम्मेलन का बेहतरीन आयोजन और संचालन किया है। मैं आगामी अध्यक्ष
उज्बेकिस्तान को भी शुभकामनाएं देता हूं और भारत के सहयोग का आश्वासन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।